अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सलमान। आज हम अपनी इस SQL सीरीज़ में सॉल्व करने जा रहे हैं बिग कंट्रीज़ वाला प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट टू द प्रॉब्लम एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम सबसे पहले टेबल डिस्कस कर लेते हैं। हमें जो टेबल दिया हुआ है इसका नाम है वर्ल्ड एंड इट कंटेन्स 5 कॉलम, जिसमें से पहला कॉलम है नेम, कॉन्टिनेंट, एरिया, पॉपुलेशन एंड GDP। नेम इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। ओके, ईच रो ऑफ दिस टेबल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री, द कॉन्टिनेंट टू विच इट बिलोंग्स एंड द एरिया ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट GDP वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है अ कंट्री इज बिग इफ इट हैज़ एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन, i.e. 3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन। ये कंडीशन में ये कह रहे हैं कि एक कंट्री को हम बिग कंसिडर जब करेंगे जब एटलीस्ट उसका जो एरिया है वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो, या उसकी जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन या 25 लाख हो। यानी कि यहाँ पे हमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सॉल्व हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम यहाँ पे फाइनलाइज कर देंगे कि हाँ हमारी जो कंट्री है वो बिग है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ होगा दो कंडीशंस के दरमियान। नाउ राइट द सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्री। यानी कि हमें नेम डिस्प्ले कराना है, पॉपुलेशन कराना है एंड एरिया कराना है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ओके, ये हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, तो हम अपनी क्यूरी को स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, हमें क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम, एरिया एंड नो एरिया भी नहीं, पॉपुलेशन। इसमें थोड़ा सा कॉलम्स की सीक्वेंस का हमें ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभार ये एरर देता है कि आप कॉलम वाइज जो है जैसे हमने बोला वैसे ही आप दें। अच्छा, सेलेक्ट नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया फ्रॉम वर्ल्ड वेयर। अब हमें इसमें कौन कौन सी कंडीशन मैच करनी है कि उसका जो एरिया है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल हो 30 मिलियन। ज़ीरो उसका मसला ना हो, मैं कॉपी कर रहा हूँ वैल्यू, और जो उसकी पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल हो 25 मिलियन। यानी कि एटलीस्ट वैल्यू इक्वल हो या बड़ी हो, हम दोनों हमारे लिए सेटिस्फाई। अब हम अपनी क्यूरी को रन करके देखते हैं कि ये इनिशियल टेस्ट केस पे पास हो रही है, कोई एरर या कोई हमने फॉल्ट तो नहीं कर दिया। अच्छा, ये टेस्ट केस वाला इधर है, तो जैसे कि हमारी इनिशियल टेस्ट केस हो गया, अब हम सबमिट करके देखते हैं कि बाकी के तमाम टेस्ट केसेस को ये सेटिस्फाई कर रही है। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड। एक मिनट थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट सही कर दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा 440 मिलीसेकंड में ये क्यूरी रही है जो चली, जो कि काफ़ी इफेक्टिव टाइम है। तो हमारी जो ये क्यूरी है सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।